हेलो एवरीवन, आज हम आरंभ सीरीज में फिजिक्स का पोर्शन जो है आपका एनसीईआरटी का उसको कवर करेंगे। देखिए, फिजिक्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या करना है और क्या नहीं करना। देखिए, सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को, बच्चों को यहीं पर आती है कि क्या हमें छोड़ना है। अब देखिए, फिजिक्स में आपसे कोई भी फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा या फिर कोई भी फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करने को भी नहीं पूछा जाएगा। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम होंगे कॉन्सेप्ट पे। तो जितने भी फिजिक्स, चाहे फिर वो केमिस्ट्री हो चाहे फिर वो फिजिक्स हो, जहां पर आपको फॉर्मूलाज दिखेंगे आपने वो पार्ट नहीं करना है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, राइट? सो हम देखते हैं फिजिक्स में हम क्या क्या कवर करेंगे। आप देखिए, क्लास सिक्स में ये चैप्टर्स हैं, क्लास सेवेंथ में ये है और क्लास एट में ये है। अब देखिए, हम इसको कवर कैसे करेंगे। देखिए, जो बायोलॉजी का था, हमने तो वहां पर क्या किया था, एक्सप्लिसिटली सिक्स क्लास की थी, एक्सप्लिसिटली सेवेंथ की थी, उसके बाद एट्थ की थी। क्यों? क्योंकि वहां पर इंटरलिंकेजेस नहीं इतनी ज्यादा बन पा रही थी और हर इंडिविजुअल चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज दिख रहा है, कैन यू सी दिस? ऐसे ही क्लास सेवेंथ में आपको मोशन एंड टाइम दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल लिंकेजेस कर सकते हैं। तो मैंने आपकी जो फॉर्मुलेशन करी है वो ऐसे ही की है, जिससे कि आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े और जहां जहां पर हमारी वर्टिकल लिंकेजेस हो सकती हैं वहां पर हमने करने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बाद हम क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, ठीक है जी? अब मोशन के बाद हम हमेशा कवर करते हैं फोर्स को, फोर्स के बाद आता है फ्रिक्शन, ठीक है? तो ऐसे मैंने वर्टिकल लिंकेजेस बनाई हैं जिससे कि आपको थ्योरी पढ़ना बहुत आसान हो जाए, राइट? आपकी जो पीडीएफ भी अटैच करी जाएगी वो पीडीएफ अटैच्ड इसी वे में है कि पहले हम क्लास सिक्स का चैप्टर 10 आपको डाला हुआ है, उसके बाद चैप्टर 13 क्लास सेवेंथ का डाला होगा, एंड सो ऑन। तो जो आपकी पीडीएफ है वो भी ऐसे ही फॉर्मुलेटेड है, राइट? सो जहां पर भी हमें वर्टिकल लिंकेजेस देखने को मिल रही है, तो आई हैव पुट इट इन दैट ऑर्डर ओनली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही क्लास सेवेंथ में भी आपको इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आपको चैप्टर 14 जो क्लास 8 का है वहां पर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलेंगे। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे तो हम वर्टिकल लिंकेजेस कर देंगे, ठीक है जी? सो यहाँ पर फिजिक्स में हम वर्टिकल लिंकेजेस के थ्रू जानेंगे, जिससे कि आपका जो पोर्शन है वो ज्यादा इफेक्टिवली कवर हो सके। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग कि आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, आपको फॉर्मूलाज पे ध्यान नहीं देना है, राइट? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है मोशन एंड द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। अब देखिए, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आपको पता होने चाहिए, जिनको आप एसआई यूनिट्स कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। अब देखिए, यहां से काफी क्वेश्चंस फ्रेम हो चुके हैं, क्योंकि जनरली देखा गया है कि जो आपके पास्ट ईयर एग्जाम्स हैं वहां पर एसआई यूनिट से जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो आपके एसआई यूनिट्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो यही बताया गया है, अर्लियर क्यूबिट वॉज एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड यूनिट इन इजिप्ट। अब ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं हमने जो मेजरमेंट का तरीका है वो बनाना स्टार्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा आपके नानी माँ या दादी माँ जनरली जब कपड़े को नापते हैं तो वो इसका गिट का यूज करते हैं, बोलते हैं एक गिट है, दो गिट है। तो वो एक्चुअली में क्या है, इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बट यहां पर हमने क्या करने की कोशिश करी है, स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करी है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया में बोले कि हम मीटर्स से चलते हैं, ऑन द अदर हैंड अगर आप यूएसए में जाओगे तो वहां पर माइल्स से चलते हैं वो, ऐसे ही हम किलोमीटर्स यूज करते हैं, या फिर कहीं और कोई और यूनिट यूज हो सकता है। तो ऐसा यूनिट का मतलब क्या है, जब हम यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज कर देंगे जिससे कि मेजरमेंट करनी काफी ज्यादा आसान हो जाएगी, राइट? सो यहाँ पर वही बोला गया है कि फिंगर टिप्स में करा गया, ऐसे ही इसको एवोल्यूशन कह सकते हैं हम स्टैंडर्ड यूनिट्स की। सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और द एसआई यूनिट्स हैव बीन एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट उनको कहा जाता है, द एसआई यूनिट्स। अब एसआई यूनिट्स क्या है, आप देख सकते हैं, अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं,
हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं 100, ऐसे ही 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं 1000, और अगर हम 1 सेकंड की बात करते हैं इट इज 1/60th ऑफ अ मिनट, राइट। सो ये क्या है आपके एसआईमेंट्स। सो दिस इज नोन एज द MKS। एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड एस stands for second। So इसका मतलब क्या है, हम distance को measure करते हैं meter में, हम weight को measure करते हैं kilogram में, और हम time को measure करते हैं seconds में। So this is known as MKS system। It is called the SI system or the international standard, or that is known as the international system of units। ठीक है जी। अब क्वेश्चन फ्रेम होता है मोशन क्या है। देखिए मोशन का मतलब होता है जब भी आपकी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी पोजीशन में गया 2 सेकंड्स में सपोजेडली, ठीक है। तो यहां पर क्या हुई है, पोजिशन चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम तो रुकेगा नहीं, तो यहां पर टाइम तो चेंज हो रहा है। सो मोशन तब कहलाई जाएगी जब एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज मूव करी है। सो दैट इज नोन एज मोशन। सो देयर इज चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है जी। अब टाइप्स ऑफ मोशन देखते हैं। देखिए बहुत से टाइप्स ऑफ मोशन एग्जिस्ट करते हैं। एक है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन अगेन आपसे एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ मोशन एग्जिस्ट करते हैं। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है जब आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन, ट्रेन जो है वो ट्रैक में मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर का मतलब ही होता है इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, जब आप एक सर्कल में मूव कर रहे हैं आपका जो सेंटर है वो एक ही है एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स इट, राइट। सो दिस इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट होता है पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है, जब वो अपनी मोशन को रिपीट करता है दैट पर्टिकुलर मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं एक ऑब्जेक्ट ए पे है, एक ऑब्जेक्ट ये बी पे गया इन 2 सेकेंड्स, फिर ये बी से ए आ गया 2 सेकेंड्स, ए से बी चला गया 2 सेकेंड्स में, एंड सो ऑन। दिस इज नोन एज पीरियोडिक मोशन, राइट। नेक्स्ट आता है रोटेशनल मोशन। देखिए रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है, जब वो अपनी एक्सिस पे घूमता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी धरती है वो सन के इर्द गिर्द घूम रही है और वो अपने एक्सिस पे भी घूम रही है। सपोज दिस इज द एक्सिस, ये मान लीजिए एक्सिस है, राइट। अगर ये चीज अपनी एक्सिस में मूव कर रही है दिस पर्टिकुलर मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है जी। सो यहां पर एक्सिस इन्वॉल्व है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मोशन दैट एग्जिस्ट। यू कैन सी ये पीरियोडिक मोशन, रोटेशनल मोशन अपनी एक्सिस पे घूमना, सर्कुलर मोशन इसके इर्द गिर्द घूमना इन अ डेफिनेट रेडियस, और रेक्टिलिनियर मोशन जब आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। ठीक है जी। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मोशन दैट एग्जिस्ट। नेक्स्ट आता है आपका मोशन एंड टाइम। अब देखिए मोशन एंड टाइम, अगेन अगर हम मोशन को डिफाइन करते हैं तो मोशन की डेफिनेशन क्या है, व्हेन यू चेंज योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज नोन एज मोशन, राइट। सो लीनियर और द स्ट्रेट मोशन इज द ऑब्जेक्ट व्हेन इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सर्कुलर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, राइट। अब देखिए स्लो एंड फास्ट मोशन क्या होता है। अब देखिए अगर मैं किसी मोशन को स्लो मोशन कहती हूं इसका मतलब क्या है, आपने वो डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा टाइम लगा दिया, राइट। क्योंकि मोशन का मतलब क्या है कि जब आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर आपने टाइम बढ़ा दिया, ज्यादा कर दिया, तो आपकी मोशन क्या हो जाएगी, स्लो। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने टाइम कम लिया है किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए तो आपकी मोशन क्या कहलाएगी, फास्ट मोशन। ठीक है। सो इट इज ऑलवेज रिलेटिव टू टाइम, इट इज ऑलवेज
रिलेटिव टू टाइम. सो दिस इज स्लो एंड फास्ट मोशन. अब आता है कॉन्सेप्ट आपका स्पीड का. देखिए स्पीड क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो जितना आपने डिस्टेंस कवर किया पर यूनिट टाइम. ठीक है जी. सो आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड अगर हम बात करते हैं तो यूनिफॉर्म स्पीड की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ फिक्स्ड डिस्टेंस सेम टाइम गैप्स इट इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जब आपने इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए टू बी जा रहे हैं, सपोज इसका डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, हमने इसको 40 मिनट्स में ही कवर किया. अब बी टू सी जा रहे हैं, बी टू सी भी 40 किलोमीटर्स है और यहां पर भी हमने 40 मिनट्स में डिस्टेंस कवर किया है. सो इसका मतलब क्या है, दिस पर्टिकुलर मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. ऑन द अदर हैंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, व्हेन यू कवर अनइक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल टाइम इंटरवल्स. फॉर एग्जाम्पल जब आप ट्रैवल करते हैं कई बार आपको ट्रैफिक मिल जाता है. अगर आपको ट्रैफिक मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आपको लॉन्गर टाइम लग जाएगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा वो ही सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने को. फॉर एग्जाम्पल जब आपको रश नहीं मिला तो आपने 10 किलोमीटर 10 मिनट में कवर कर लिए, लेकिन फिर आपको रश मिला, आपने 10 किलोमीटर वही 10 किलोमीटर जो आपने 10 मिनट में कवर किए थे अब वही कवर करने के लिए 20 मिनट लग गए. तो इसका मतलब क्या है, जब आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम दैट पर्टिकुलर मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. आई होप आई एम क्लियर. ठीक है जी. सो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया. नेक्स्ट आता है एवरेज स्पीड. देखिए एवरेज का मतलब ही क्या होता है, जब हम उसकी एवरेज निकाल लेते हैं. एवरेज का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो यहां पर क्या है, जब आप उसकी मीन वैल्यू निकालते हैं दैट पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी इज नोन एज द एवरेज स्पीड. राइट. सो अगर हम बोलें कि आपकी स्पीड ए टू बी में 50 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है जी. ऐसे ही बी टू सी आपने सेम डिस्टेंस कवर किया लेकिन यहां पर आपकी जो स्पीड थी दैट वाज 60 किलोमीटर पर आवर. सो अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो सिंपली आप क्या करते हैं, 50 + 60/2, ठीक है जी. सो 60 + 50 दैट कम्स आउट टू बी 110/2, कितना हुआ 55. तो यहां पर एवरेज स्पीड आपकी क्या मानी जाएगी, दैट इज 55 किलोमीटर पर आवर. राइट. सो एवरेज स्पीड क्या हो गई, दैट इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. आई होप आई एम क्लियर. ठीक है जी. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट आता है मेजरिंग टाइम. अब देखिए हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लॉक्स. सो क्लॉक्स यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पीरियोडिक मोशन टू मेजर द टाइम. अब यहां पर कौन सा मोशन यूज हो रहा है क्लॉक में, दैट इज पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक क्यों, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा इट रिपीट्स इटसेल्फ, है ना. जब हमारा एक घंटा पूरा कवर हो जाता है तो क्लॉक अपने आप को फिर से रिपीट करती है, क्योंकि ये रेपिटेटिव इन नेचर है. इसीलिए इस मोशन को क्या कहा जाता है, द पीरियोडिक मोशन. आई होप आई एम क्लियर. ठीक है जी. सो इट मीन्स दैट इट यूजेस द मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल अमाउंट्स ऑफ टाइम. सो हम मेजर करने के लिए टाइम को क्या यूज करते हैं, दैट इज द क्लॉक्स. अब बहुत सारे और भी डिवाइसेस हैं जो हम यूज करते हैं टू मेजर टाइम. देखिए जो क्लॉक्स हैं वो काफी ज्यादा एक्यूरेट हैं, लेकिन पहले टाइम पे क्लॉक तो नहीं होंगी. तो यहां पर हम सनलाइट को मेजर कैसे करते थे, सॉरी हम टाइम को मेजर कैसे करते थे. सो सन डायल था, सैंड क्लॉक थी जो आज भी आप यूज करते हैं, ऐसे ही वाटर क्लॉक बनाई गई थी, पेंडुलम क्लॉक बनाई गई थी, और जो आजकल आप यूज करते हैं दे आर नोन एज क्वार्ट्ज क्लॉक. आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये सैंड वाली क्लॉक तो सबने देखी होगी, ये अपने आप को रिपीट करती है. सो ये भी क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है. तो जो भी पीरियोडिक मोशन कर सकती हैं उनसे हम क्या मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं. ऐसे ही आपको ये देखने को मिलेगा सन डायल है, ये वाटर डायल है, ये जो आप आजकल यूज करते हैं दैट इज नोन एज द क्वार्ट्ज क्लॉक. ठीक है, दिस इज अ पेंडुलम क्लॉक. तो यहां पर पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है,
जिसकी वजह से वो रेपिटेटिव मोशन परफॉर्म करता है, और यहां से हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी, सो दीज आर दी डिवाइसेस। अब आता है मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अब देखिए पेंडुलम में क्या है, पेंडुलम कंटेन करता है एक बॉब को, इट इज अ मेटालिक बॉल और अ स्टोन व्हिच इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। सो हम क्या करते हैं पेंडुलम में, एक पेंडुलम, पेंडुलम क्या है, वो एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है जो एक थ्रेड से टंगा होता है, राइट। सो यहां पर कौन सी मोशन होती है, ऑसिलेटरी मोशन होती है, क्योंकि ये टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पेंडुलम, सो ये आगे पीछे जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन यहां पर होती है। सो उस पर्टिकुलर मोशन को कहा जाता है द ऑसिलेटरी मोशन। सो द बॉब ऑफ द पेंडुलम डज मूव फ्रॉम सेंटर मीन पोजिशन टू द पेंडुलम ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजिशन। अब मान लीजिए ये आपका पेंडुलम है, ये इसकी एक्सट्रीम्स है, क्या है, एक्सट्रीम्स है। This is known as the mean position. क्या बोला जाता है इसको, mean position. ये mean position से अपना travel करेगा distance to the extreme positions. So ये जो motion होती है, इस motion को कहा जाता है oscillatory motion, जब वो अपनी mean position से extreme positions तक travel करता है, राइट। सो यहां पर क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन। सो आपको पता होना चाहिए यहां पर एक मीन पोजीशन होती है और एक्सट्रीम पोजीशंस लाई करती है, और जब ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशंस की तरफ जाता है, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है जी, सो ऑसिलेशन क्या हो गया, व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम इट्स सेंटर टू इट्स एक्सट्रीम पोजीशंस, इट इज नोन एज ऑसिलेशन, राइट। सो टाइम क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम क्या हो जाएगा, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन को कवर करने में जितना टाइम लग गया उसको क्या बोला जाएगा, दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ठीक है जी, सो वहां से हम ट्रेवल कर सकते हैं। कैन यू सी दिस, दिस इज द मेन पोजिशन और इनको एक्सट्रीम पोजिशन कहा जाता है। सो दिस इज द मोशन ऑफ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है जी, आई होप आई एम क्लियर। आगे चलते हैं। अगेन आपको कोई डायग्राम याद नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऑसिलेटरी मोशन है क्या। इट इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉब फ्रॉम द मीन पोजिशन टू द एक्सट्रीम पोजिशन, दैट्स इट। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है देखिए यूनिट्स और यूनिट्स टू मेजर स्पीड। अब देखिए यूनिट्स हम क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, जो स्पीड है वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना। अगर डिस्टेंस है तो हम डिस्टेंस को मीटर में करते हैं और हम टाइम को सेकंड्स में करते हैं, या फिर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में करते हैं, टाइम को मिनट्स में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। जो आप अभी यूज करते हैं, जब आप अपनी कार चलाते हैं, अपने स्कूटर चलाते हैं, तो दैट इज किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, कितने टाइम में, दैट इज नोन एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, आई होप आई एम क्लियर। सिंपल है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, राइट। नेक्स्ट आता है दैट इज स्पीडोमीटर। अब देखिए स्पीडोमीटर क्या है, वो एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज इन द व्हीकल्स सच एज कार्स एंड ट्रक्स which measures the speed in kilometers per hour. So as the name suggests, speedometer क्या करेगा, speed को accurately check करेगा, that is speedometer. On the other hand, odometer क्या होता है, it is a device which measures the distance traveled by a vehicle in meters or kilometers. अब देखिए इस पे question frame हुआ है। अब आप past year papers देखेंगे तो आपसे difference पूछा गया है, what is the difference between speedometer and odometer. तो स्पीडोमीटर जो है वो स्पीड कैलकुलेट करता है, ऑन द अदर हैंड ओडोमीटर क्या करता है, वो डिस्टेंस मेजर करता है। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ओडोमीटर जो है वो स्पीड मेजर करता है, स्पीड मेजर नहीं करता है, स्पीडोमीटर करता है। ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस जितना आपने ट्रेवल किया है उसको कैलकुलेट करता है। ठीक है जी, सो दिस इज ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर। नेक्स्ट आता है, अब अगर हम टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ देखते हैं
तो आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, अगेन आपसे ग्राफ तो नहीं पूछा जाएगा, बट आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिफॉर्म मोशन है, कौन सी स्टैटिक मोशन है जहां पर मोशन ही नहीं हो रही, और कौन सी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। देखिए, अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है, कैन यू सी दिस? अगर कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और वहां पर आपको ऐसी लाइन देखने को मिलती है, इसका मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में आपने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है। दैट मीन्स दिस इज नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन। ऑन द अदर हैंड, आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या है कि टाइम तो बढ़ रहा है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस नहीं मूव कर रहा। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। यहां पर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। पोजीशन आप देख पा रहे हैं, एक ही पोजीशन पे बैठा है, लेकिन टाइम तो बढ़ ही जाएगा क्योंकि टाइम तो रुकता नहीं है। तो यहां पर टाइम चेंज हो रहा है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है? वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टैटिक है, वो चल नहीं रहा, राइट? ऑन द अदर हैंड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो आपको कोई भी जिगजैग लाइन देखने को मिलेगी। तो यहां पर क्या है? आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, ठीक है जी? सो यूनिफॉर्म मोशन में आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी, ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको जिगजैग लाइन देखने को मिलेगी। और अगर हम स्टैटिक मोशन की बात करते हैं, तो इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। सो अगर आपकी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उस पर्टिकुलर मोशन को कहा जाएगा देर इज नो मोशन, क्योंकि वहां पर पोजिशन चेंज नहीं हो रही। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है जी? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फोर्स एंड प्रेशर। नाउ यहां पर आपको दोनों टर्मिनोलॉजीज अच्छे से पता होनी चाहिए। फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है जी? लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज अ फोर्स? अब आपने डेफिनेशंस बहुत बारी पढ़ी होंगी। जब भी हम पुश या पुल किसी चीज को करते हैं, उसको कहा जाता है वी हैव अप्लाइड द फोर्स। व्हेन देयर इज अ पुश और अ पुल ऑन द ऑब्जेक्ट, इट इज नोन दैट वी हैव अप्लाइड अ फोर्स, ठीक है जी? सो अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ हेयर इज द कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स क्यों अप्लाई करी जाती है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है और हमें उसको रेस्ट पे लेके आना है, तो हम क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स। ऐसे ही अगर कोई चीज रेस्ट पे है और हमें वो मूव करवानी है, तो हम क्या करते हैं? उसको पुश देते हैं। तो दैट मीन्स जो फोर्स है वो चेंज ऑफ स्टेट में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस ऑब्जेक्ट इज स्टैटिक। जब मैंने इसको पुश किया तो ये चलने लगा, तो इसका मतलब क्या है? इसकी स्टेट चेंज कर दी है। ये स्टेट क्या थी? रेस्ट में थी, लेकिन रेस्ट से अब किस में चलने लगी है? मोशन में आ गई है। तो यहां पर क्या कहा गया है? जब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना है, तब हम क्या अप्लाई करते हैं? दैट इज फोर्स, ठीक है जी? नेक्स्ट आता है आपका, टू लेट अ फोर्स कम इन टू प्ले, टू और मोर ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट विद ईच अदर। सो यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स का इंट्रैक्शन जरूरी है, तभी आपकी जो फोर्स है दैट कैन कम इन टू प्ले। सो इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको क्या कहा जाता है? द कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको पुश नहीं करोगे तब तक ये चलेगा ही नहीं, तो यहां पर कॉन्टैक्ट जरूरी है, राइट? सो आप देख सकते हैं यहां पर बॉल को, अगर बॉल आ रही है तो यहां पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसको रोकने के लिए। ऐसे ही अगर आप हॉकी प्ले कर रहे हैं, तो बॉल को आप पुश करेंगे जिससे कि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आ जाए। ऐसे ही आप अगेन देखेंगे जो गोलकीपर होता है वो फोर्स अप्लाई करता है कि वो बॉल को रोक सके, ठीक है जी? सो जो मैग्नेट्स हैं, डू मैग्नेट्स ऑल्सो एग्जर्ट अ पुश और पुल? अब देखिए, जो मैग्नेट्स हैं, दैट मैग्नेट कैन अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। जो भी मैग्नेटिक चीजें हैं, वो मैग्नेटिक चीजें क्या कर सकती हैं? अट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन इनको कॉन्टैक्ट फोर्सेस नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेट्स हैं वो एक्चुअली में अपनी सराउंडिंग में क्या बनाती हैं? मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अट्रैक्शन
या फिर रिपल्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, सपोज दिस इज अ बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर एक और बार मैग्नेट लेते हैं और यहाँ पर साउथ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, तो ये दोनों पोल्स अपने आप को क्या करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर। बट हम इनको कॉन्टैक्ट में नहीं लेके आते हैं। क्यों कॉन्टैक्ट में लेके नहीं आते हैं? क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फोर्सेज नहीं है, ये फील्ड फोर्सेज है। इन फोर्सेज को क्या कहा जाता है, फील्ड फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन। अब एप्पल ऊपर से खुद ब खुद नीचे गिर जाता है, क्या आपको कोई कॉन्टैक्ट फोर्स लगाने की जरूरत है? नहीं। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो इनको फील्ड फोर्सेस बोला जाता है। तो जब भी कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसके आसपास आपको क्या देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर क्या है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या तो अट्रैक्शन होती है या फिर रिपल्शन होती है। ठीक है, सो ये इनको हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस नहीं कह सकते, राइट? नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए, व्हेन टू फोर्सेस एक्ट ऑन इन द सेम डायरेक्शन, नेट द नेट रिजल्टेंट ऑन द ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ दीज टू फोर्सेस। अब इस बात को समझिए, फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स है, ठीक है, यहां से दो फोर्सेस अप्लाई होंगी। देखिए, फोर्सेस को सबसे पहले आपको ऐसा यूनिट पता होना चाहिए, फोर्स के ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर 5 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे ही 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरफ को मूव करेगा, हाँ कि ना? ये स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगा। अब रिजल्टेंट फोर्स यहां पर क्या होगी, दैट इज 15 न्यूटन। क्या होगी, 15 न्यूटन, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है 5 न्यूटन, यहां पर भी फोर्स अप्लाई हो रही है 5 न्यूटन, ये क्या अपनी स्टेट चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि यहां से भी क्या अप्लाई हो रहा है 5 न्यूटन, दूसरी तरफ से भी क्या अप्लाई हो रहा है 5 न्यूटन, तो यहां पर क्या है, रिजल्टेंट फोर्स क्या बन जाएगी, 0, दैट इज 5 माइनस 5, दैट इज 0 न्यूटन। इसका मतलब ये स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं होगी, राइट? अब यहां पर क्या पता चलता है, इससे आपको क्या पता चलता है कि जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड तो मैटर करता ही करता है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है वो भी मैटर करता है। अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स का डिफरेंस देखा जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं, तो उनका रिजल्टेंट ऐड करा जाएगा। तो यहां पर डायरेक्शन भी मैटर करता है, इसीलिए फोर्स को क्या कहा जाता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो मैटर करता ही करता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका क्या मैटर करता है, दैट इज डायरेक्शन आल्सो मैटर्स। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, फोर्स कैन ब्रिंग डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स पोजिशन, साइज एंड शेप। अब ऐसा यूनिट मैं आपको बता चुकी हूं, न्यूटन के क्या है, एन दैट सॉरी फोर्स के क्या है, दैट इज न्यूटन। एंड फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ इट इज इन रेस्ट। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, इट विल कम इनटू मोशन, और अगर कोई चीज मोशन में है, हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो हम उसको रेस्ट पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब फोर्स से आप क्या है, चेंज कर सकते हैं स्टेट या फिर उसकी साइज। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज आप कंप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, कंप्रेस करना चाहते हैं, और तो कंप्रेस करने फोर्स अप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं, तो इसका साइज चेंज हो सकता है, राइट? सो यहां पर क्या है, फोर्स की वजह से आपको काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे इन दी ऑब्जेक्ट, राइट? नेक्स्ट, अब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, दो तरह की फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती हैं और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती हैं। देखिए, जो कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, वहां पर क्या है, टू और मोर ऑब्जेक्ट्स आपको मिलते हुए दिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्स की बात करते हैं, तो ये जो है ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स की अगर बात कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहां पर ये मूवमेंट करवानी है, तो यहां पर क्या करोगे, आप फोर्स अप्लाई करोगे, राइट? और ये जो आप सपोज ये आगे बढ़ गया, ठीक है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगी, द फ्रिक्शनल फोर्स। सो यहां पर दो फोर्सेस दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, सो दे आर नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ऑन द अदर हैंड कुछ फोर्सेस होती हैं, उन फोर्सेस को आपको कॉन्टैक्ट करवाने की जरूरत नहीं है, दे आर नोन एज फील्ड फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल
मैग्नेटिक फोर्स, आप मैग्नेटिक फोर्स को फील करते हैं, राइट? आप देख नहीं सकते हो कि दो फोर्सेस जो हैं, दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स, इन फोर्सेस को क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज दी फील्ड फोर्सेस या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है जी। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मस्क्युलर फोर्स, जो मस्क्युलर फोर्स है वो कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में क्या है, आप मसल स्ट्रेंथ यूज करते हैं, मसल फोर्स यूज करते हैं, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट में आप रोप को रखते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी कॉन्टैक्ट और दी मस्क्युलर फोर्सेस। ऐसे ही फ्रिक्शनल फोर्स में आपको बता चुकी हूं, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या अप्लाई होगी, दैट इज दी फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है जी। सो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसे ही अगर हम एयर फ्रिक्शन की बात करते हैं, सो जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी क्या है, वो भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि जैसे एयरप्लेन पे क्या लगता है, एयर फ्रिक्शन लगता है, राइट? सो एयर फ्रिक्शन भी क्या है, दैट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट। नेक्स्ट आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो भी आपकी फील्ड फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं, चाहे मैग्नेटिक हो, चाहे ग्रेविटेशनल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हो, ठीक है जी। सो आप देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर सपोज दिस इज द साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ एंड साउथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, राइट? सो ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। सो यहाँ पर रिपल्शन देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको रोटेशनल मोशन देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस डिफरेंट है। कैन यू सी, 90 डिग्री पे हैं दोनों एक्सिस, इसका एक्सिस ये है, इसका एक्सिस ये है, तो यहां पर आपको रोटेशनल फोर्सेस देखने को मिलेंगी। अब यहां पर देखो कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स ही अपने आप को अट्रैक्ट या फिर रिपल्शन कर रही है, राइट? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में भी वही होता है, जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है वो दो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स देगा। ऑन दी अदर हैंड अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। सो यू कैन सी है, जो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन, अगेन नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्शन, अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल रहेंगे। अब यहां पर आपको रिपल्शन देखने को मिल रही है, दूर जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगी, एंड दीज पर्टिकुलर फोर्सेज आर नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अगेन देयर इज नो कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। So, ये फील्ड फोर्सेस कहलाती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपकी क्या है, इट इज अ फील्ड फोर्स। जैसे ही आप कोई बॉल उछालेंगे वो अपने आप नीचे आ जाएगी विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। सो इन फोर्सेस को कहा जाता है दी फील्ड फोर्सेस। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है, दैट इज प्रेशर। अब देखिए प्रेशर का मतलब क्या होता है, इट इज दी फोर्स दैट इज एक्टिंग पर यूनिट एरिया। सो अगर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, सो आपका जो प्रेशर है दैट इज नोन एज फोर्स पर यूनिट एरिया। कितना फोर्स अप्लाई करा जा रहा है, कितने एरिया पे, देखिए प्रेशर के काफी यूटिलाइजेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम एरिया बढ़ा देते हैं, अगर हम एरिया बढ़ा देते हैं तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। तभी आप देखेंगे जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं उनके बड़े बड़े टायर्स होते हैं, वो टायर्स एक्चुअली में क्या, अगर बड़े हैं तो इसका मतलब सरफेस एरिया ज्यादा है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो वो रोड्स पे प्रेशर कम डालेगा, नहीं तो क्या होगा, रोड्स बहुत जल्दी टूट जाएंगी। यहां पर सरफेस एरिया बड़ा करने का मतलब क्या है कि एक तो वो ज्यादा भार ले सके और जो उनके टायर्स हैं उनका सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए जिससे कि प्रेशर कम पड़े, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर आप पिन देखेंगे, ड्रॉइंग पिन देखी है आपने, राइट, ड्रॉइंग पिन के जो सरफेस एरिया, जो पिन वाला पार्ट है उसका सरफेस एरिया कितना ज्यादा कम होता है। अब सरफेस एरिया कम हो गया इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो आप इजीली उसको क्या कर पाते हैं, अंदर कर पाते हैं। जो ड्रॉइंग पिन्स होती हैं वो क्यों है, क्योंकि आपको ज्यादा प्रेशर ना लगाना पड़े, ठीक है जी, सिंपल एज दैट। सॉरी, ज्यादा फोर्स ना लगानी पड़े। आई होप आई एम क्लियर, यहां तक बात समझ आई है। ऐसा यूनिट्स क्या है इसके, पास्कल्स। क्या है, पास्कल्स। अगेन अगर आपको पास्कल में नहीं लिखना तो आप ऐसा यूनिट्स, क्योंकि आपके फोर्स आपको पता है न्यूटन में होता है और एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैन आल्सो बी द एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर।
ठीक है जी। सो आपको यहाँ पर काफी एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, जो नीडल है वो नीडल का जो टिप होता है वो काफी पतला होता है, तो सरफेस एरिया कम है तो प्रेशर अपने आप ज्यादा हो जाएगा, तो फोर्स ज्यादा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जो शोल्डर बैग्स होते हैं आपके, काफी ब्रॉड स्ट्रैप्स करे जाते हैं। जब आप छोटे थे, जब आप स्कूल बैग्स लेके जाते थे, तो आपके मम्मा कहते थे कि जो बड़ी जिसकी बड़ी पट्टी है वो लो। वो क्यों कहते थे? क्योंकि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है इसका मतलब प्रेशर कम पड़ेगा, तो शोल्डर आपके दर्द नहीं होंगे, राइट? दिस इज नेक्स्ट टूल्स दैट आर यूज फॉर कटिंग एंड पियर्सिंग। जो कटिंग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो नाइफ्स हैं उनकी जो एजेस है वो काफी, उसका जो सर्फेस एरिया वो काफी स्मॉल होता है। अगर जो सर्फेस एरिया है वो काफी कम है तो प्रेशर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्या है कि हम आराम से जो चीजें हैं वो कट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है। नेक्स्ट, ऐसे ही देर आर टू टायर्स ऑफ द ट्रैक्टर्स आर वाइडर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो ट्रैक्टर्स हैं उनके जो टायर्स होते हैं उनका सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है, जिससे कि वो प्रेशर को मिनिमाइज कर सके, ठीक है जी। ऐसे ही जो कैमल है दैट कैन वॉक इजिली ओवर द सैंड बिकॉज इट हैज वाइड फीट। आपको देखने को मिलेगा जो उनके फीट हैं वो काफी वाइड होते हैं क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए। अगर सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए तो प्रेशर कम पड़ेगा और वो उनके जो पैर हैं वो मिट्टी में नहीं धंसेंगे, राइट? सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स, जहां पर लाइव एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जहां पर प्रेशर और सरफेस एरिया का आपको इनवर्स प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम, और अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है दैट इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जो सॉलिड्स हैं वो ही प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, जो आपके गैसेस और लिक्विड्स हैं वो भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कंटेनर लेते हैं जिसमें पानी पड़ा है, तो ये जो पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या करेंगे, इस सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। सो यहां पर क्या है, जो भी वॉल्स ऑफ द कंटेनर होता है वहां पर प्रेशर एग्जर्ट होता है, चाहे फिर वो गैसेस ही क्यों ना हो। जो गैसेस हैं वो भी क्या करती हैं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर को एग्जर्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे रूम में क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, वो जो एयर पार्टिकल्स हैं वो वॉल्स पे भी क्या कर रहे होंगे, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे, राइट? सो जो प्रेशर है वो जो आपके लिक्विड्स और जो गैसेस हैं वो भी एग्जर्ट करते हैं। सो यू कैन सी दिस, अगर हम यहां पर इस सिलेंडर में होल्स कर देते हैं छोटे, तो एकदम से पानी बाहर आ जाता है, इसका मतलब क्या है, प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, राइट? सो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर स्मॉल होल्स की बात करते हैं, जो वाटर है वो सारी साइड से बाहर आना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है जी। सो दिस इज दी एक्सप्लेनेशन जहां पर प्रेशर का यूज हो रहा है। ऐसे ही अगर हम एयर मॉलिक्यूल्स को देखें, तो एयर मॉलिक्यूल्स भी जो हैं वो एग्जर्ट करते हैं ऑन दी वो एग्जर्ट करते हैं प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ दी कंटेनर, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए, एटमोस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है, अब देखिए, आपको पता है ये धरती है, धरती के आसपास एक ब्लैंकेट है, उस ब्लैंकेट ऑफ एयर को ही क्या कहा जाता है, ट्रोपोस्फेयर, जहां पर एक्चुअली में लाइफ पॉसिबल है ना। ये ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि ये एयर है ना, ये सारे एयर पार्टिकल्स यहां पर मूव कर रहे हैं, वो एयर पार्टिकल्स क्या करेंगे, यहां पर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, धरती पे क्या एग्जर्ट करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तो एट अ टाइम आपके सिर पे काफी ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, लेकिन हमें तो फील नहीं होता। हमें क्यों फील नहीं होता, क्योंकि हमारे बॉडी में भी ब्लड प्रेशर है, हमारा जो ब्लड है वो भी प्रेशर से फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो एटमोस्फेरिक प्रेशर हमारे सर पे पड़ रहा है उसको काउंटर बैलेंस कौन कर रहा है, दैट इज आवर ब्लड प्रेशर, इसीलिए हमें कोई प्रेशर फील नहीं होता, राइट? सो यही बोला गया है, जो एटमोस्फेयर के एयर है जो अर्थ पे प्रेशर एग्जर्ट करती है उनको कहा जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है जी। सो एटमोस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस आउट कौन करता है, हमारा ब्लड प्रेशर, ठीक है, यहां पर यही एक्सप्लेन किया गया है।
आई होप आई एम क्लियर. ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं. अब देखिए, कई बार ऐसा होता है, हाउएवर समटाइम्स एट अ हायर ऑल्टीट्यूड वेयर द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज लो. अब देखिए, एटमोस्फेरिक प्रेशर लो क्यों होगा? फॉर एग्जाम्पल, आप काफी हाइट पे पहुंच चुके हैं. अगर काफी हाइट पे पहुंच चुके हैं, इसका मतलब एयर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कम होंगे, क्योंकि आपके धरती के नीचे पास पास एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी काफी देखने को मिलती है, तो प्रेशर भी ज्यादा होगा. लेकिन जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाएंगे, तो वहां पर एयर मॉलिक्यूल्स भी क्या है, कम होते जाएंगे. अगर एयर मॉलिक्यूल्स कम है, इसका मतलब वो प्रेशर भी कम एग्जर्ट कर रहे हैं. सो इसका मतलब क्या है, आपका ब्लड प्रेशर अब ज्यादा हाई हो चुका है, तभी आपको नोज ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है. अगर आपका जो बॉडी है वो उस एनवायरनमेंट में ढल नहीं जाती, तो क्या होता है, जब भी आप हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हो, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लो हो जाता है. क्यों लो हो जाता है? क्योंकि आपके जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो ही कम हो जाते हैं, तो प्रेशर भी वो कम एग्जर्ट करेंगे. ऑन द अदर हैंड, आपके ब्लड प्रेशर तो हायर फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उस प्रेशर को बैलेंस आउट करने के लिए आपके नोज ब्लीडिंग हो जाती है, जिससे कि आपका जो ब्लड प्रेशर ज्यादा होने करके ब्लड जो है वो बाहर आ जाता है. ठीक है, सो दिस इज सो बिकॉज एट द टाइम the blood pressure in our body becomes higher than the atmospheric pressure outside us. इसकी वजह से आपको nose bleeding होने दिखती है. ठीक है जी, so this is higher altitude. ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जितना आप नीचे रहेंगे वहां पर आप देख सकते हैं density कितनी है. Can you see this? यहाँ पर air molecules की density कितनी है. लेकिन जैसे ही आप higher altitudes पे जाते जाएंगे, तो आप देख सकते हैं एयर मॉलिक्यूल्स कितने स्कार्स हो गए. अगर एयर मॉलिक्यूल्स स्कार्स हो गए, दैट मींस एयर प्रेशर कम हो गया है. अगर एयर प्रेशर कम हो गया है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हायर है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो उसको इक्वलाइज करने के लिए आपकी बॉडी क्या करती है, कुछ ब्लड रिलीज कर देती है इन द फॉर्म ऑफ नोज ब्लीडिंग. ठीक है, सो यहां पर क्या है, आपको नोज ब्लीडिंग फील होती है. क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो चुका है. आई होप आई एम क्लियर. ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट आता है फ्रिक्शन. अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या है? इट इज अ फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन सरफेसेस कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. अब देखिए, यहां पर इन फोर्सेस को भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहा जाता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब क्या है, सपोज दो सर्फेसेस हैं, आप क्या करते हैं, ऐसे रगड़ते हैं जब ठंड होती है. तो एक्चुअली में क्या है, यहां पर कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि दो सर्फेसेस दे आर कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट एंड दे आर मूविंग पास्ट ईच अदर, जिसकी वजह से आपकी फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करती है. वो फ्रिक्शनल फोर्स जब एग्जिस्ट करती है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ हीट कुछ लॉसेस करती है, जिसकी वजह से आपके हाथ गर्म हो जाते हैं. राइट, सो यहां पर दो सर्फेसेस को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा, तभी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कैरी होगी. तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फील होगा, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है जी, सो दो सर्फेसेस, अब सर्फेस कौन सा, कॉमन सर्फेस कौन सा है, ये वाला. दो सर्फेसेस कौन से हैं, ये अलमारी और नीचे आपकी फ्लोर. ठीक है, दो आपके सर्फेसेस हैं, सॉरी दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एक सर्फेस के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको फ्रिक्शनल फोर्स फील होगा. ठीक है जी, सो यू कैन सी, अगर रफ सर्फेसेस हैं, अगर रफ सर्फेसेस हैं, तो आपको हाई फ्रिक्शन देखने को मिलेगी. लेकिन अगर स्मूथ सर्फेसेस हैं, तो आपको जो फ्रिक्शन है वो लो देखने को मिलेगी. अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि एज सच परफेक्टली स्मूथ सर्फेसेस नहीं एग्जिस्ट करते हैं, आइडियली नहीं एग्जिस्ट करते हैं. तो यहां पर परफेक्ट स्मूथनेस कोई भी सर्फेस नहीं होता. तो जो आपके रफ सर्फेसेस हैं, वहां पर आपको ज्यादा फ्रिक्शन देखने को मिलेगी, और जो आपके स्मूथ सर्फेसेस हैं, वहां पर आपको फ्रिक्शन कम देखने को मिलेगी. ठीक है जी, सो नेक्स्ट अगर हम देखें, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कौन कौन सी होती है. देखिए, पहली है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर रोलिंग फ्रिक्शन, और एक
फ्लूइड फ्रिक्शन। आप देखिए यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है, सपोज दिस इज अ रफ सरफेस, मैंने आपको बताया कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होता, अगेन ये जो सरफेस है ये भी स्मूथ नहीं होंगे, तो यहाँ पर क्या होती है, जो फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती हैं। सब आप मान लीजिए अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको ये सरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा, उबड़ खाबड़। ऐसे ही अगर आप कोई ऑब्जेक्ट इस पे रख रहे हैं, ठीक है, वो भी एक्चुअली में स्मूथ नहीं होगा, तो यहां पर क्या हो जाती है, इंटरलॉकिंग, क्या हो जाती है, इंटरलॉकिंग। सो इस पर्टिकुलर फ्रिक्शन को कहा जाता है द स्टैटिक फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा बट वहां पर फ्रिक्शन अभी भी है, तो आपको क्या करना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ती है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज कर पाए। अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाए, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाए। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड ड्रॉ कर रहे रैंप पे, ठीक है, सो उसको कहा जाएगा दिस इज नोन एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन अगर हम देखें, सपोजेडली आप एक सरफेस पे सिलेंडर को रोल करते हुए लेके जा रहे हैं, तो उनको कहा जाएगा द रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर सर्कुलर इन शेप और सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, लिक्विड या फिर गैस। सो अगर हम एयर फ्रिक्शन की बात करते हैं तो वो कौन सी फ्रिक्शन है, दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। सो आप देख सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, कैन यू सी द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वो अपनी एक्सिस पे घूम रहा है। कैन यू सी इसके अगर आप अंदर एक एक्सेस घुसा दें, वो अपनी एक्सेस पे घूम रहा है, दैट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। अगेन आप वाटर में आप देखेंगे जो फिश है जब वो मूव कर रही होती है तो उसको कौन सी फ्रिक्शन मिलती है, दैट इज वाटर फ्रिक्शन या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। ऐसे ही अगर जेट मूव कर रहा है तो उसको कौन सी फ्रिक्शन फील होगी, दैट इज एयर फ्रिक्शन। ऐसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई मोशन नहीं हो रहा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है, जब कोई चीज स्लाइड कर रही है ऑब्जेक्ट पे, सरफेस पे, उस फ्रिक्शन को क्या कहा जाएगा, दैट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है अगर आपको क्वेश्चन फ्रेम हो कि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन की वैल्यू कहां पर दिखेगी, तो दैट विल बी स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक का मतलब क्या है, मूवमेंट ही नहीं हो रही, कि इंटरलॉकिंग इतनी ज्यादा है कि आपको काफी फोर्स सप्लाई करनी पड़ेगी तब जाके वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन या रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगी। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस। देखिए एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, जो भी आपके फ्रिक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन वॉक अंटिल एंड अनलेस, अगर आपका सरफेस इतना ज्यादा स्मूथ हो जाए तो आप वॉक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, अपने पैरों से फ्रिक्शनल फोर्स के थ्रू चल पा रहे हैं, क्योंकि अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी देन यू विल स्लाइड डाउन, राइट। ऐसे ही अगर इफ आई एम एबल टू राइट, अगर मैं राइट कर पा रही हूं, अगर ये सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ होता तो क्या मैं लिख पाती, नहीं। सो जो भी आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इट अलाउज अस टू फिक्स अ नेल इन द वॉल, अगर नेल हम फिक्स करना चाह रहे हैं, अगर अगेन जो रफ सरफेस है तो वहां पर फ्रिक्शन अप्लाई होती है जिसकी वजह से हम वो चीजें कर पाते हैं। सो बहुत सी एडवांटेजेस हैं, जैसे ड्राइव करना, ठीक है, ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करना बिल्डिंग्स को एंड सो ऑन। आप जहां पर भी देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो स्पाइक्ड शूज पहनते हैं, वो स्पाइक्ड शूज क्यों पहनते हैं, जिससे कि वो फिसले ना, फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट कर दें तो उसकी वजह से वो गिरेंगे नहीं। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा स्ट्राइकिंग अ मैच स्टिक, जब आप मैच स्टिक लगाते हैं तो वहां पर भी कौन सी फ्रिक्शन यूज होती है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। ऐसे ही वी आर एबल टू ड्राइव दी ऑटोमोबाइल्स, ड्राइविंग भी पॉसिबल तभी है, तभी आपको देखने को मिलेगा टायर्स में भी कुछ स्पाइक्स लगे होते हैं, वो एक्चुअली में क्या करते हैं कि आपकी गाड़ी स्किड ना करे और फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा कर दी जाए जिससे कि आप ड्राइव आसानी से कर पाए, राइट। ऐसे ही राइटिंग ऑन द पेपर, राइटिंग भी आपकी एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेजेस भी होंगी, ऑब्वियसली बात है, अगर किसी चीज की एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलेंगी। सो यहां पर कोई भी वियर एंड टियर अगर होता है, फॉर एग्जाम्पल आप ड्राइव करते हैं कार, तो कार के जो टायर्स हैं
शुरुआत में तो बिल्कुल नए होते हैं और काफी स्पाइक्स होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके देखने को मिलेगा कि वो जो टायर्स जो स्पाइकी होते हैं वो फ्लैट होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? उनकी वियर एंड टियर। तो जो भी वियर एंड टियर होती है वो भी किन फोर्सेस की वजह से होती है? फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से होती है, राइट? सो इट ऑल्सो रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आप सर्दियों में क्या करते हैं? अपने हाथों को रगड़ते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट करते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हीट भी जनरेट होती है, राइट? सो यहाँ पर एडवांटेज कह लीजिए या फिर डिसएडवांटेज कह लीजिए, क्योंकि जब भी फ्रिक्शनल फोर्स होगी तो जो आपके अप्लायंसेस हैं, जो मशीन्स हैं, दैट कैन लीड टू वेस्टेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये इन द फॉर्म ऑफ हीट इसको लॉस करती है, ठीक है जी? नेक्स्ट, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो लीड्स टू द डिक्रीज इन द स्पीड। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है तो वो उसकी स्पीड को क्या कर देगी? स्लो कर देगी, राइट? ऐसे ही इट कैन ऑल्सो लीड टू नॉइज पोल्यूशन इन सर्टन केसेस। सो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस। यू कैन सी वियर एंड टियर ऑफ मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल, हम शूज पहनते हैं तो वो जो शूज हैं उनके सोल क्या हो जाते हैं? घिस जाते हैं, वो वियर एंड टियर है। ऐसे ही इट कैन ऑल्सो कॉज फॉरेस्ट फायर्स। सो फॉरेस्ट फायर्स भी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होती हैं, राइट? क्योंकि अगर आप ड्रायर रीजन्स देखेंगे तो जब ड्रायर रीजन्स में विंड ब्लो कर रही होती है तो उसकी वजह से कई बार क्या लग जाती है? आग लग जाती है, तो फॉरेस्ट फायर्स हो जाते हैं। तो अगेन वहां पर क्या हुआ? दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? सो यहाँ पर कॉजेज नॉइज पोल्यूशन एंड मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव। अब क्योंकि टायर्स में आपको स्पाइक्स देखने को मिलते हैं तो फ्रिक्शनल सर्फेस हमने ज्यादा कर दिया, इसकी वजह से आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, तभी वो साइकिल क्या कर पाती है? मूव कर पाती है, राइट? सो दिस आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम देखो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं कैसे। हम क्या कर सकते हैं? पाउडर अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हम सर्फेसिस को क्या बना दें? स्मूथ बना दें। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कैरम प्ले करते हैं तो कैरम बोर्ड पे आप सबसे पहले क्या डालते हैं? दैट इज पाउडर। वो पाउडर क्या करता है? एक्चुअली में सर्फेस को स्मूथ कर देता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो पाए। ऐसे ही हम ग्रीसिंग करते हैं, वो ग्रीसिंग भी क्यों करते हैं? जिससे कि वियर एंड टियर कम हो पाए, फ्रिक्शनल फोर्सेस कम हो पाए। तो यहां पर हम ग्रीसिंग भी करते हैं जिससे कि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर पाए। ऐसे ही ऑयलिंग की जाती है, ऑयलिंग भी इसलिए की जाती है क्योंकि हम फ्रिक्शन को कम कर पाए और सर्फेस को स्मूथ बना पाए, राइट? सो दीज आर दी फैक्टर्स जहां पर हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब जो व्हील्स हैं उसमें भी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं कैसे? बॉल बियरिंग्स डाल के। क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन है, आपने अभी पढ़ा, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है, तो जो बॉल बियरिंग्स डाल के हम क्या कर सकते हैं? जो रोटेटरी मोशन है उसमें फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। सो जो व्हील्स हैं आपको वहां पर बॉल बियरिंग्स देखने को मिलेंगी, राइट? सो दीज आर दी टर्निंग सिलेंडर्स। सो यहां पर जो फ्रिक्शन है उसको कम करने की कोशिश की जाती है। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है जी? नेक्स्ट चलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। अब देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड मैंने आपको बता दिया, लिक्विड्स और गैसेस को कहा जाता है। तो यहां पर क्या है? काफी लॉसेस होते हैं एनर्जी के, और उस वो किसकी वजह से होते हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ दी फ्लूइड फ्रिक्शन। तो आप देखेंगे जो भी आपके सोनिक जेट्स हैं या फिर फिशेज हैं, तो वो कैसे मूव करती हैं? उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। वो स्ट्रीमलाइन बॉडी क्यों होती है? जिससे उनको वाटर, जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, वो कम से कम महसूस हो। ऐसे ही आपके एयरप्लेन्स भी स्ट्रीमलाइन बॉडी के होते हैं। वो स्ट्रीमलाइन बॉडी के क्यों होते हैं? क्योंकि उनको एयर फ्रिक्शन कम से कम लगे, ठीक है जी? तभी वो मूव कर पाते हैं। सो दिस इज फ्लूइड फ्रिक्शन। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा साउंड। अब देखिए जो साउंड है वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो साउंड क्या है? साउंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब वो एनर्जी जो है उसको मूवमेंट के लिए एक मीडियम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बोल रही हूं और आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो यहां पर जो मेरी वॉइस है वो आप तक कैसे पहुंच पा रही है? थ्रू अ मीडियम। क्योंकि इस रूम में आपके एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो एयर मॉलिक्यूल्स ही क्या कर पा रहे हैं? मेरी वॉइस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो यहां पर इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, जिसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड। क्या बोलते हैं? प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब क्या है? जब आपकी साउंड मूव कर सकती है। सो मेरी बॉडी में वॉइस बॉक्स है,
जो एक्चुअली में क्या करता है, वाइब्रेट करता है. तो सबसे पहले साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड अ वाइब्रेटिंग बॉक्स. कोई भी वाइब्रेशन होनी चाहिए जहां से हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. उसके बाद हमें मीडियम चाहिए जिससे हम साउंड को प्रोपगेट करवाते हैं, जिससे कि एक जगह से साउंड दूसरी जगह पहुंच पाए. राइट. सो साउंड की अगर हम डेफिनेशन देखें, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट इन अ पर्टिकुलर पैटर्न. सो वाइब्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन producing a sound. So vibration can be described as the back and forth position. Ab for example, agar main bol rahi hu to mera jo voice box hai wo vibrate kar raha. So jab wo vibrate kara aur jab maine bola to jo mere aas paas ke air molecules hain wo bhi vibrate karna start kar denge, to jo unke aas paas ke molecules hain fir vibrate karenge, and so on. Is vibration se hi kya hoga, propagation of sound hoga. Right. So, depending upon the vibrations, a sound is produced. Sound cannot be produced without any vibration. Very, very important question frame. पहले भी हो चुका है, दोबारा भी हो सकता है कि जो sound है वो कब generate होती है, जब आपके पास एक vibrating object होगा. Right. So, vibration is very, very important. नेक्स्ट चलते हैं. आप देख सकते हैं वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स काफी सारे होते हैं. फॉर एग्जांपल गिटार की बात कर लीजिए, या ट्यूनिंग फोक की बात कर लीजिए, ड्रम्स की बात कर लीजिए. तो ये सारी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स क्या क्या आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, दैट इज साउंड हैज बीन प्रोड्यूस्ड. ठीक है जी. सो कई जो चीजें हैं वो स्ट्रिंग से आपको प्रोड्यूस करती हैं, स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है और वहां से आपको साउंड प्रोड्यूस होती हुई दिखती है. सो जो भी आपके वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग से होते हैं, जैसे वायलिन हो गया, गिटार हो गया, वो सारे क्या है, स्ट्रिंग वाले. ठीक है. ऐसे ही विंड एंड ब्रास, तो साउंड फ्रॉम ब्लोइंग एयर, फ्लूट जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो क्या है, विंड की वजह से आपको साउंड प्रोड्यूस होती हुई दिखेगी, क्योंकि जो विंड में है, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट आता है पर्कशन. पर्कशन का मतलब क्या है, जब आप स्ट्राइक करते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रम. सो यहां पर क्या है, जब साउंड स्ट्राइकिंग से होती है, स्ट्राइकिंग से प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन हम प्रोड्यूस करते हैं स्ट्राइक करके, उनको कहा जाता है दे आर पर्कशन इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है जी. अब हाउ डू ह्यूमंस प्रोड्यूस साउंड. अब देखिए, हमारे पास एक वॉइस बॉक्स एग्जिस्ट करता है जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं. वो जो लैरिंग्स है दैट इज प्रेजेंट हेयर, और वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है. उस वाइब्रेशन की वजह से ही हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं. राइट. सो द लैरिंग्स हैज टू वोकल कॉर्ड्स. वोकल कॉर्ड्स होती है हमारी, एंड हैव अ नैरो स्लिट बिटवीन देम सो दैट द एयर कैन पास थ्रू इट. सो दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, और वोकल कॉर्ड्स में एक स्पेस होती है जहां से विंड ब्लो करती है, और उस विंड को ही हम क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से जो एयर मॉलिक्यूल्स वहां पर प्रेजेंट हैं वो वाइब्रेशन में आ जाते हैं, और उसके बाद हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. राइट. सो एज द लंग्स थ्रो द एयर आउट ऑफ द विंड पाइप, इट पासेस थ्रू दिस स्लिट. आप डायग्राम देखें तो उससे ज्यादा समझ आएगा आपको. यू कैन सी दिस, आपको देख आप देख पाएंगे दो वोकल कॉर्ड्स हैं, यहां पर एक स्लिट है, वो स्लिट की वजह से ही आप साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट आता है प्रोपगेशन ऑफ साउंड. इसके बारे में आपको बता चुकी हूं. जो हमारी साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है. क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब क्या होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उसी डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रही है. तो यहां पर क्या होता है, जैसे मैं साउंड प्रोड्यूस कर रही हूं तो मेरे आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे. वो क्या करेंगे, अगेन एक्सपैंड करेंगे, फिर कंप्रेस करेंगे, फिर एक्सपैंड करेंगे, फिर कंप्रेस करेंगे, फिर एक्सपैंड करेंगे, फिर कंप्रेस करेंगे, एंड सो ऑन. इससे जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को कहा जाता है द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. सो यहां पर जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, कंप्रेशन की वजह से हो रही है, और रेयर फैक्शन. रेयर फैक्शन का मतलब क्या है, जहां पर एयर की डेंसिटी कम हो जाती है. सो यहां पर एयर की डेंसिटी ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम. सो दिस इज नोन एज द प्रोपगेशन ऑफ साउंड, जब साउंड ट्रैवल कर रही है.
ठीक है, अब ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। अब कोई भी मीडियम हो सकता है, चाहे फिर वो सॉलिड हो, चाहे फिर वो लिक्विड हो, चाहे फिर वो गैसियस हो। तो यहां पर इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। ऑन द अदर हैंड अगर हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट को मीडियम नहीं चाहिए टू ट्रैवल। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, सो दिस इज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। अब हाउ साउंड ट्रैवल्स इन अ मीडियम, जो मीडियम है वो कैसे, जो साउंड है वो कैसे ट्रैवल करती है। अब आपको ये चीज याद रखनी है, साउंड अगर वाटर से पास कर रही है इट ट्रैवल्स 4 टाइम फास्टर दैन एयर। अब सिंपल सी बात है, देखिए जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर विल बी लेस, सिंपल एज दैट। ऑन द अदर हैंड अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होती हैं वो काफी कम होती हैं। अब इंटरमोलिकुलर स्पेसेस क्योंकि कम होती हैं तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड विल बी वेरी फास्ट, राइट। सो सबसे ज्यादा फास्ट किसमें होगी, सॉलिड्स में, उसके उसके बाद किसमें होगी, वाटर में, उसके बाद किसमें होगी, गैसियस में, ठीक है। सो साउंड थ्रू वाटर ट्रेवल्स 4 टाइम्स फास्टर दैन थ्रू एयर। और अगर हम इसकी बात करते हैं, साउंड थ्रू सॉलिड्स ट्रैवल 13 टाइम्स फास्टर दैन थ्रू एयर। सो आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, इसकी वजह से प्रोपगेशन डिलेड होगी, सिंपल। ऑन द अदर हैंड अगर आपके सॉलिड्स एग्जिस्ट करते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होती हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, तो प्रोपगेशन जल्दी हो जाएगी, ठीक है। सो प्रोपगेशन सबसे फास्ट किस में है, सॉलिड्स में। अब हम हियर कैसे करते हैं, देखिए वी नो दैट द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड एज वेव्स इन द एयर और इन एनी अदर मीडियम। एज द साउंड वेव्स ट्रैवल टू आवर इयर्स दे कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और द मैसेजेस दैट आवर ब्रेन कैन इंटरप्रेट। अब देखिए सपोज मैंने कुछ बोला तो आपके ईयर्स ने सुन लिया, लेकिन वो ईयर्स क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे, और जो आपकी ऑडिटरी नर्व है, ऑडिटरी नर्व का मतलब क्या है, जो ईयर को ब्रेन तक जोड़ने वाली नर्व है उसको कहा जाता है द ऑडिटरी नर्व। वो जो ऑडिटरी नर्व है वो क्या करेगी, इन सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करेगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगी, जो आपका ब्रेन इंटरप्रेट कर पाएगा, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ वी हियर द साउंड्स, ठीक है जी। आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा ये, दिस इज द आउटर मोस्ट ईयर जिसको आप पिन्ना कहते हैं, दिस इज द मिडल ईयर, एंड मिडल ईयर के बाद आपको एक इनर ईयर देखने को मिलेगा, ठीक है जी। सो दिस इज द मेजर डायग्राम ऑफ योर ईयर। नेक्स्ट आता है इसकी फंक्शंस। अब देखिए मैंने आपको बताया 3 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है, आउटर ईयर, इनर ईयर एंड सॉरी मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर। जो आउटर ईयर है वो एक्चुअली में क्या करता है, वो कंसिस्ट करता है पिन्ना, जो आपको आउटर मोस्ट कवरिंग दिखती है वो पिन्ना एक्चुअली में क्या करता है, कलेक्ट करता है साउंड, जितनी भी साउंड है उसकी कलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है, दैट इज द आउटर ईयर। उसके बाद आता है आपका मिडिल ईयर। ये मिडिल ईयर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द साउंड वेव्स इनटू वाइब्रेशन दैट देन ट्रैवल टू द इनर ईयर। अब ये क्या करता है, ये वाइब्रेशंस को कन्वर्ट कर देता है, जिससे जो भी साउंड है उसको वाइब्रेशंस में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि वो इनर ईयर तक जा पाए। ऐसे ही अगर हम इनर ईयर की बात करते हैं, जिसमें मेजरली आपको कॉकला दिखता है, एक बार आप डायग्राम देखें, दिस इज नोन एज कॉकला, दिस इज द इनर ईयर, ठीक है जी। सो इनर ईयर का फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं, इट रिसीव्स द वाइब्रेशंस सेंट बाय द ईयर डम, इट कंटेन्स अ लिक्विड सब्सटेंस एंड द वाइब्रेशंस दैट एंटर द इनर ईयर move through this liquid. There are tiny hairs present inside the inner ear that turn these vibrations into signals for the brain. अब देखिए इनर ईयर से साउंड कहाँ जानी है, ब्रेन तक जानी है, ब्रेन ने इंटरप्रेट करना है। तो यहाँ पर जो कॉकला है, यहाँ पर कोई लिक्विड सा प्रेजेंट होता है जो एक्चुअली में क्या करता है, इन वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ तक पहुंचना चाहिए, दैट इज टू द ब्रेन। सो यहाँ पर इसका मेजर फंक्शन क्या है, उनको कन्वर्ट करना, वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करना, जिससे हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर पाए, ठीक है जी। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द ईयर।
नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, हम साउंड वेव्स को ना हम कैटेगराइज करते हैं, हम बनाते ऐसे हैं साइनोसॉइडल वेव्स, इनको कहा जाता है साइनोसॉइडल वेव्स। अब देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन एज द ऑब्जेक्ट टेक्स पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब देखिए अगर हम माने यहां पर आपको देखने को मिलेगा दो फ्रीक्वेंसीज, यहां पर आपको कर्व्स कम देखने को मिलेंगे, कैन यू सी दिस, ठीक है, सपोजेडली दिस इज 2 सेकेंड, ये भी 2 सेकेंड है, यहां पर आपको नंबर ऑफ ऑसिलेशन देखो कितनी कम देखने को मिल रही है, दैट इज 2 और 3। ऑन द अदर हैंड आपको यहां पर क्या है ऑसिलेशन कितनी ज्यादा देखने को मिल रही है, सो हायर फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, जहां पर आपको नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ज्यादा देखने को मिलेंगी, दैट इज नोन एज हायर फ्रीक्वेंसी, राइट। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, लो एंड हाई। जहां पर ऑसिलेशन ज्यादा है उनको हाई फ्रीक्वेंसी बोल देंगे, और जहां पर ऑसिलेशन कम है उनको लो फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। अब फ्रीक्वेंसी के जो SI यूनिट्स होते हैं वो आपको याद रखने हैं, दे आर हर्ट्ज, क्या बोला जाता है इनको, हर्ट्ज, राइट। सो अगर हम 1 हर्ट्ज की बात करते हैं तो 1 हर्ट्ज का मतलब क्या है, 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, हर सेकेंड में एक ऑसिलेशन हो रही है। अगर हम 20 हर्ट्ज बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, 20 ऑसिलेशन हो रही है पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किसकी, 20 हर्ट्ज की, राइट। 20 हर्ट्ज क्योंकि उसमें 20 ऑसिलेशन हो रही है पर सेकेंड, ठीक है, हर सेकेंड में 20 ऑसिलेशन हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है दैट इज 20 हर्ट्ज की, राइट। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज टाइम पीरियड। अब देखिए टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन फॉर 1 complete oscillation। अब देखिए 1 complete oscillation कहा जाता है जब ये एक्चुअली में स्टार्ट करती है फ्रॉम कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और फ्रॉम कंसेक्यूटिव ट्रफ्स। क्रेस्ट का मतलब होता है द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ एनी वेव, ठीक है। सो अगर हम दो डिस्टेंस, दो क्रेस्ट पे नापे, उसको बोला जाता है वेव लेंथ, क्या बोला जाता है, वेव लेंथ, ठीक है। सो अगर अगेन ये जो टाइम पीरियड ले रही है अपने क्रेस्ट को दोबारा लाने के लिए, उसको कहा जाता है द टाइम पीरियड, ठीक है सी, ठीक है जी। सो द टाइम टेकन फॉर 1 complete oscillation ऑफ साउंड, इट इज नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ दैट वेव। अब देखिए जो मैंने आपको बताया क्रेस्ट और ट्रफ है, उसका जो हाइट है उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड, क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है जी। सो दैट इज द एम्पलीट्यूड, इसको मैंने बता दिया आपको, द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द ट्रफ, इट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है, यहां से देखिए क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिच एंड लाउडनेस। जो लाउडनेस है दैट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, अगर आपका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल ये वेव ऐसे ना होके ऐसे होती, इसका मतलब क्या है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इसका मतलब जो वॉइस है वो लाउडर है। ऑन द अदर हैंड हम बोलते हैं इसकी पिच बहुत हायर है, पिच हाई का होने का मतलब होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। सो अगर हम पिच की बात कर रहे हैं तो पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। On the other hand, if we are talking about loudness, we are talking about amplitude. जिसका amplitude ज्यादा है, जिसकी crest की और trough की height ज्यादा है, तो हम कहेंगे आपकी जो sound है वो loud है। On the other hand, pitch की अगर बात करते हैं तो it depends upon the frequency. जितनी ज्यादा frequency है उतनी ज्यादा आपकी pitch है, ठीक है जी। I hope I'm clear. So, this is the difference between pitch and loudness. You can see. Amplitude ज्यादा है, loud sound. Amplitude कम है, feeble sound. मतलब slow sound. On the other hand, अगर frequency ज्यादा है, तो आपको आपको pitch ज्यादा देखने को मिलेंगी. ऐसे ही अगर frequency कम है, तो pitch low देखने को मिलेगी. ठीक है जी? नेक्स्ट आता है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। देखिए हमारी एक रेंज है जिसको ऑडिबल रेंज कहा जाता है, क्या बोला जाता है, ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज का मतलब होता है जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। हमारे ईयर्स को, ह्यूमन ईयर्स को यही साउंड सुनाई देती है जो 20 हर्ट्ज से लेकर
20,000 हर्ट्स या फिर 20 किलो हर्ट्स तक होती है, उस रेंज को कहा जाता है दी ऑडिबल रेंज। लेकिन जो फ्रीक्वेंसीज 20 हर्ट्स से कम होती है उनको बोला जाता है इंफ्रासोनिक। क्या बोला जाता है? इंफ्रासोनिक। ऑन दी अदर हैंड जो 20,000 हर्ट्स से ज्यादा होती है उनको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक। क्या बोला जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स। सो यहां पर क्या है, अगर हम ह्यूमन ईयर की बात करते हैं तो हमारे लिए ऑडिबल रेंज क्या है? अगेन यहां से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द ऑडिबल रेंज, तो आपको बताना था इट वाज 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। सो यहां पर दिस इज द ऑडिबल रेंज, 20 हर्ट्स से अगर कम है तो उसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं और 20,000 हर्ट्स से ज्यादा है तो उसको अल्ट्रासोनिक बोलेंगे। हमें ये वाली साउंड सुनाई नहीं देती, ठीक है जी। सो यही एक्सप्लेन किया हुआ है। इंफ्रासोनिक क्या है? दैट इज लो the frequency below 20 hertz. On the other hand, ultrasound क्या है? That is above 20,000 hertz. ठीक है जी? So यहाँ पर क्या है? इसकी frequency काफी higher है. ये कौन सुन सकते हैं? जो ultrasounds हैं, ये कौन सुन सकते हैं? That is bats, dogs and cats use the ultrasounds to communicate. On the other hand, अगर हम giraffe, rhinoceros की बात करते हैं, तो ये क्या use करते हैं? Infrasonic साउंड्स, ठीक है। अगेन एग्जाम्पल्स भी याद करने हैं क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन जाएगा कि बैट्स डॉग्स जो है वो कौन सी साउंड्स सुन सकते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, दे आर अल्ट्रासाउंड्स। कौन सी साउंड्स हैं? अल्ट्रासाउंड्स, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है नॉइज एंड म्यूजिक। अब देखिए जो नॉइज है दैट इज अनप्लेजेंट साउंड, जो प्लेजेंट नहीं है, जो हमें सुन के अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब क्या है कि उनकी वेरिड फ्रीक्वेंसीज है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर पीरियोडिक मोशन नहीं देखने को मिलता। ऑन द अदर हैंड अगर हम म्यूजिक की बात करते हैं, इट इज अ प्लेजेंट साउंड एंड हैज अ क्लियर पिच। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरिड नहीं है। कैन यू सी, यहां पर प्योर साउंड में क्या है? जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरिड नहीं है, वो रेपिटेटिव है, तो आपको साउंड या फिर म्यूजिक सुनाई देगा। बट नॉइज क्या है? अनप्लेजेंट साउंड है जिसकी कोई एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है जी। सो दिस इज रिलेटेड टू योर नॉइज, राइट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। अब जो लाइट है उसको हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले अगर आपको लाइट की डेफिनेशन पता हो, अगेन लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी। हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, उसको कहा जाता है लाइट। अब साउंड भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, यस। तो साउंड क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल, है ना। वहां पर एयर, लिक्विड या फिर आपको कोई ना कोई सॉलिड चाहिए तभी वो प्रोपगेट हो सकती है। लेकिन जो लाइट है उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच द ऑब्जेक्ट विच एमिट्स लाइट, उसको क्या कहा जाता है? द सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है? सोर्स। ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट्स ल्यूमिनस होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स नॉन ल्यूमिनस होते हैं। ल्यूमिनस का मतलब क्या है? जो अपनी खुद की लाइट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल द सन, द स्टार्स, ये सारे ही क्या हैं? दे आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऑन द अदर हैंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, बट अगर सोर्स से उन पे लाइट पड़ती है और जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती है तब हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। सो उन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है दी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स हैं दे आर नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। तो जब उन पे सन की लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट बैक होती है फिर हम उन प्लैनेट्स को देख पाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है रे ऑफ लाइट। ये मैं आपको बता चुकी हूं, इट इज अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स, ठीक है जी। सो दैट इज नोन एज रे। ऑब्स्टैकल क्या है? जब आपका जो पाथ ऑफ लाइट है उसमें एक रुकावट आ गई है उसको कहा जाता है दी ऑब्स्टैकल। सो यू कैन सी जो लाइट है वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, यहां से रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेगी। रे ऑफ लाइट जब ट्रैवल करेगी और ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो वहां पर आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी लाइट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा? दैट इज द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई होप आई एम क्लियर।
ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम पिन होल का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट में पिन होल एग्जिस्ट करता है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कैसे बनेगी? दैट विल बी इन्वर्टेड। क्या बनेगी? इन्वर्टेड। सो पिन होल कैमरा में आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज क्या होगी? इट विल बी इन्वर्टेड इमेज। अगेन यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जो आपके पिन होल कैमराज होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, उसकी इमेज कैसे बनती है, दैट इज इन्वर्टेड। आपसे क्वेश्चन अराइज हो जाएगा, फ्रेम कर देंगे कि जो जो इमेज बनेगी दैट विल बी इरेक्ट। इरेक्ट नहीं होगी, क्या होगी? इन्वर्टेड होगी, ऑफ द सेम साइज। सो साइज सेम होगा लेकिन जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी दैट विल बी इन्वर्टेड। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब देखिए, आप जब मिरर में देखते हैं, जो फॉर्मेशन मिरर में होती है, वहां पर आपको लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखता है, उसको कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। क्या कहा जाता है? लेटरल इन्वर्जन। देखिए, जब आप मिरर में देखते हैं तो आप उल्टे नहीं दिखाई देते, सीधे ही होते हो, मतलब इरेक्ट होते हो। दैट इज इमेज जो फॉर्मेशन हो रही है वो इरेक्ट हो रही है, लेकिन आपको लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखता है वो, उसको कहा जाता है द लेटरल इन्वर्जन। तो अगर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो जो आपकी इमेज है वो तो इरेक्ट बनेगी, सीधी ही बनेगी, बट हमें लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखेगा। तभी आपने देखा होगा एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है ना, वो क्यों लिखा होता है? क्योंकि जब आप मिरर में देखोगे तो आपको वो सीधा दिखेगा, दैट इज आपको वो करेक्टली दिखेगा। सो दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है जी, सो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे दो तरह के एग्जिस्ट करते हैं, एक है आपका ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और एक है आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। देखिए, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जब लाइट उसके थ्रू पास हो सकती है, उसको कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या है? कुछ पार्ट ऑफ लाइट उसमें से ट्रेवल कर पा रही है, उसके पास थ्रू कर पा रही है, लेकिन सारी लाइट नहीं पास कर पा रही, उसको कहा जाता है द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए, एक होता है ओपेक। ओपेक का मतलब है जो बिल्कुल भी लाइट अपने थ्रू ट्रैवल नहीं करने दे रहा, जितनी भी लाइट पड़ रही है सबको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, उसको कहा जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट। राइट, सो ट्रांसलूसेंट में कुछ पार्ट ऑफ लाइट ट्रैवल कर पा रही है, उसके पास थ्रू कर पा रही है, ट्रांसपेरेंट में सारी की सारी लाइट उसके पास थ्रू कर पा रही है। ठीक है जी, सो अगर हम इमेज और शैडो में डिफरेंस देखते हैं तो क्या होगा? देखिए, इट हैज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो आपकी इमेज है उसमें आपको कलर देखने को मिलेगा, लेकिन शैडो हमेशा ही क्या होती है? इट इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर। ठीक है, सो अगेन यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही मैंने आपका ये डायग्राम दिया है, आपको ये डायग्राम याद रखना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। जो इमेज है उसमें आपको कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ऐसे ही इट गिव्स डिटेल एज वेल एज द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप मिरर में देखते हैं तो आपको अपनी इमेज दिखती है, तो इमेज में क्या है? जो कलर है वो आपको दिखता है, राइट। ऑन द अदर हैंड, शैडो में वो हमेशा ही ब्लैक होती है, वो सिर्फ आउटलाइन देगी, लेकिन यहां पर क्या है, आपको आउटलाइन के साथ डिटेल्स भी देखने को मिलेंगी। सिंपल आप इमेजिन कर लीजिए, आप अगर मिरर के सामने खड़े हैं और जब आपकी कोई शैडो बन रही है तो शैडो में सिर्फ आपको आउटलाइन देखने को मिलती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, यहां पर तो आपको आउटलाइन भी दिखेगी और जो भी माइन्यूट डिटेल्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही इट अंडरगोज लेटरल इन्वर्जन। ये मैं आपको बता चुकी हूं, जो प्लेन मिरर में आपको इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। ऑन द अदर हैंड, यहां पर एज सच कोई भी लेटरल इन्वर्जन देखने को नहीं मिलता। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है? लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। सो दैट इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड शैडो। ठीक है जी, सो दिस वॉज द कवरेज ऑफ योर लाइट एंड शैडोज। अब देखते हैं हम लाइट, जो आपके सेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी में है, वहां पर क्या दिया हुआ है। सो लाइट में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। अब देखिए, अगर लाइट रीच कर पा रही है हमारी आई को, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन बी एबल टू सी दी लाइट। बट अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गया, बीच में ब्लॉक कर दिया गया, तो हम वो चीज नहीं देख पाते। देखिए, कभी भी हम कोई ऑब्जेक्ट कैसे देख पाते हैं? जब उससे कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके हमारी आंखों तक आती है, तब हम वो ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं।
राइट right? क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को कैसे दिखते हैं, दैट इज नॉन ल्यूमिनस. सो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमें कैसे दिखेंगे? जब कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उस पर कोई लाइट डालेगा, जब वो रिफ्लेक्ट बैक होके हमारी आंखों तक आएगी, तभी हम वो ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे. राइट, सो दिस इज लाइट. नेक्स्ट चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की. मैं आपको बता चुकी हूं, जो लाइट है जब वो ऑब्जेक्ट को हिट करती है, या तो वो लाइट अब्सॉर्ब हो जाएगी और या तो वो लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. जनरली अगर हम रियल टर्म्स में बात करते हैं, तो हर ऑब्जेक्ट में कुछ पार्ट ऑफ लाइट अब्सॉर्ब होती है और कुछ पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है. जब वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक आके आती है, तब हमारी आंखों में क्या बनती है? उसकी इमेज. ठीक है, तभी हम वो ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. राइट, सो अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन दी प्लेन मिरर की, कैन यू सी दिस? यहां पर एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, दैट इज नोन एज द सोर्स ऑफ लाइट. यहां से रेज जाएंगी और वो रेज एक्चुअली में यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है. कैन यू सी दिस? राइट, तो यहां पर जो इमेज बनती है, दैट इज बाय अ प्लेन मिरर. सो इमेज क्या है? इमेज वो ऑब्जेक्ट की इमेज है, उस ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टेड लाइट है जो हमने उसके सामने रखा है. राइट, नाउ रीड द डेफिनेशन. एज द मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट, एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर इट इज फॉर्म्ड ऑन इट. सो द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट, डायग्राम देखिए वहां से समझ आएगा. अब ध्यान से देखिए, देखिए मैंने ये कैंडल रखी है मिरर के सामने, प्लेन मिरर है. राइट, तो यहां पर क्या है? इमेज फॉर्मेशन हो रही है. अब मैंने आपको बताया प्लेन मिरर में एक क्वालिटी तो क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट विल बी लेटरली इन्वर्टेड. इसका मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, बट यहां पर कैंडल है तो एज सच आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा. अब क्या है जो आपकी इमेज बन रही है? दिस इज द इमेज, क्योंकि ये तो रियल ऑब्जेक्ट है. राइट, अब ये जो रियल ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहां बन रही है? दैट इज इन द बैक ऑफ द मिरर, जो कि वर्चुअल है. क्या है? वर्चुअल है. कैन यू टच दिस? वर्चुअल का मतलब क्या होता है? जो रियलिटी में नहीं है, तो हम इसको टच नहीं कर सकते. ये एक इमेज बन रही है जो कि स्क्रीन पे बन रही है. वो स्क्रीन क्या है? मिरर. तो जितनी अगर सपोजिटली इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, तो जो आपके ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो भी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर. ऑन द अदर हैंड, अगर सपोजिटली ये मिरर से डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट का मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है, ये मिरर से कितनी पीछे हो रही है? दैट इज 5 सेंटीमीटर्स. क्योंकि ये क्या है? इट इज अ वर्चुअल इमेज. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या आपको उल्टा देखने को मिल रहा है? नहीं, जो आपकी इमेज है वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सीध में है, बिल्कुल करेक्टली है, ऊपर से नीचे है ना, ऐसे ही आपको ऊपर से नीचे देखने को मिलेगा. तो ये क्या है? दिस इज नोन एज इरेक्ट. इरेक्ट का मतलब क्या है? अपसाइड डाउन नहीं है. राइट, सो आप अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, सो यहां पर आपको लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलेगी, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं. अगेन आई विल एक्सप्लेन, इस चीज को समझ लीजिए. सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट. क्या है ये ऑब्जेक्ट? ये आपका मिरर है. ऑब्जेक्ट की हाइट मान लीजिए दैट इज 10 सेंटीमीटर. अब जो इमेज बनेगी ना, वो इमेज मिरर के पीछे बनेगी, तभी आप उसको टच नहीं कर सकते, तभी उस इमेज को कहा जाता है इट इज अ वर्चुअल इमेज. अब मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो जो आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी पीछे, वो भी कितने में होगी? 5 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी. इसकी हाइट भी कितनी होगी? दैट इज 10 सेंटीमीटर. राइट, अब यहां पर सिर्फ देखिए, इट विल बी इरेक्ट. जो आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, वैसा ही आपको इमेज देखने को मिलेगा. इट विल जस्ट बी लेटरली इन्वर्टेड, दैट इज लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट. ठीक है जी, सो दिस इज द फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, सो यू कैन सी. ठीक है, दिस इज लेटरल इन्वर्जन ऑफ द इमेज. तभी एम्बुलेंस जो है वो आपको उल्टी लेटरली इन्वर्टेड दिखती है. ठीक है, सो अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट रे होती है और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज फ्रॉम द नॉर्मल होता है. नॉर्मल का मतलब क्या है? सपोज दिस इज द मिरर,
मान लीजिए यहां पर मिरर है, यहां पर एक इंसिडेंट रे आ रही है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? उस सरफेस से 90 डिग्री बनाने वाला सरफेस, उस सरफेस को कहा जाता है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल का एक्चुअली में फिजिक्स में मतलब ही क्या होता है? 90 डिग्री टू द सरफेस। सो दिस इज द सरफेस, और इसके 90 डिग्री में जो चीज होगी, जो सरफेस बनेगा, दैट विल बी नोन एज नॉर्मल। सो इंसिडेंट रे जो आ रही है, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। सो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? दिस इज पॉइंट नंबर वन। फिर क्या आता है? जितनी भी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, दे विल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है? सपोज दिस इज योर मिरर, दिस इज योर नॉर्मल, मान लीजिए, एंड दिस इज योर इंसिडेंट रे। जब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, दे विल लाई ऑल इन द सेम प्लेन, दिस इज द प्लेन, राइट? सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, दे विल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है जी, सो दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, यू कैन सी। अब देखिए, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी होती हैं। अगर तो स्मूथ सरफेस है तो आपको जो रिफ्लेक्टेड रेज देखने को मिलेंगी, दे विल बी रेगुलर, राइट? ऑन द अदर हैंड, अगर जो सरफेस है वो टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब इरेग्युलर है, तो आपको जो रिफ्लेक्शंस भी देखने को मिलेंगी, दैट विल बी इरेग्युलर। देखिए, स्मूथ सर्फेसेस क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करते, तो एज सच आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को बहुत कम देखने को मिलेगी। ऑन द अदर हैंड, जो हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं, इट इज ऑलवेज द इरेग्युलर रिफ्लेक्शंस। क्यों? क्योंकि जो हमारे सर्फेसेस हैं, दे आर नॉट स्मूथ। ठीक है जी, सो दिस इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, कुछ तरह के मिरर्स एग्जिस्ट करते हैं। अभी तक हमने प्लेन मिरर की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स की। अब देखिए, स्फेरिकल मिरर्स का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझ लीजिए। सपोज दिस इज अ स्फीयर, राइट? अब इस स्फीयर को मैंने मिडिल में से काट दिया, तो आपको दो स्फेरिकल मिरर्स देखने को मिल रहे हैं। कैन यू सी दिस, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, सपोज यहां से रेज आ रही है, सो जो इनवर्ड कर्व कर रहा है, उस मिरर को कहा जाता है द कॉनकेव मिरर। क्या कहा जाता है? कॉनकेव मिरर। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका ये वाला सरफेस है जो बल्ज आउट कर रहा है, उसको कहा जाता है द कॉनवेक्स मिरर। सो यू कैन सी, दिस इज द कॉनकेव मिरर एंड दिस इज द कॉनवेक्स मिरर, एंड इट ऑलवेज डिपेंड्स जहां से आपका सोर्स ऑफ लाइट लिया गया है। सोर्स ऑफ लाइट कहां लिया है? मैंने यहां पर। ठीक है, सो इसके लिए कॉनकेव ये बन जाएगा और कॉनवेक्स ये बन जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। क्योंकि ये स्फीयर से बने हुए हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? दे आर स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है जी, सो यहां पर अगेन क्वेश्चंस फ्रेम होंगे आपसे, कॉनकेव मिरर्स के क्या एडवांटेजेस हैं, कहां पर यूज है इनका। ऑन द अदर हैंड, ऐसे ही कॉनवेक्स मिरर्स के लिए भी आपको इनसे इनके यूजेस पूछे जाएंगे, राइट? So, अगर हम एप्लीकेशन देखते हैं कॉनकेव मिरर्स की, देखिए कॉनकेव मिरर्स एक्चुअली में क्या है? दे आर दी कन्वर्जिंग मिरर्स। अब कन्वर्जिंग मिरर्स का मतलब क्या होता है? जो लाइट को कलेक्ट करते हैं, राइट? अब लाइट को कलेक्ट करने वाले मिरर्स को क्या कहा जता है? दे आर नोन एज दी कॉनकेव मिरर्स, राइट? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल डेंटिस्ट जो यूज करते हैं मिरर आपके टूथ देखने को, तो वहां पर कौन से मिरर्स यूज होते हैं? दे आर कॉनकेव मिरर्स। ऐसे ही जो भी आपके शेविंग मिरर्स हैं, वो शेविंग मिरर्स में भी क्या मिरर यूज होता है? दैट इज दी कॉनकेव मिरर। ठीक है जी, ऐसे ही हेडलाइट्स, जो हेडलाइट्स यूज होती हैं आपकी कार्स की, वहां पर भी कॉनकेव मिरर्स यूज होते हैं। ऐसे ही अगर हम कॉनवेक्स मिरर्स की एप्लीकेशन देखें, तो जो आपके रेयर व्यू मिरर्स होते हैं कार के या स्कूटर्स के, जो साइड में लगे होते हैं रेयर व्यू मिरर्स, जिससे आपको एक फील्ड व्यू मिल पाए। फील्ड व्यू का मतलब क्या होता है? एक लार्जर व्यू मिल पाए, तो उनमें हम क्या यूज करते हैं? वी यूज दी कॉनवेक्स मिरर्स। तो जहां पर भी आपको लार्जर व्यू चाहिए, तो वहां पर आप कौन सा यूज करेंगे? कॉनवेक्स मिरर यूज करेंगे। और जहां पर आपको कोई स्पेसिफिक चीज देखनी है, वहां पर आप क्या यूज करेंगे? दैट इज दी कॉनकेव मिरर्स। ठीक है, अगेन यूजेस आपको याद ही करने पड़ेंगे, नो अदर चॉइस। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं कुछ लेंसेज। अब देखिए, लेंसेज एक्चुअली में आप यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जो लोग स्पेक्स पहनते हैं,
जिनकी आईसाइट कमजोर होती है, तो यहां पर क्या यूज होता है, यहां पर यूज होते हैं लेंसेज। दो प्रकार के लेंसेज एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस जो कि दो स्फेरिकल सर्फेसेस से बना हुआ है, ऐसे ही आपका होता है कॉनकेव लेंसेज, जिनकी दूर की नजर खराब होती है उनको कौन से लेंसेज यूज करे जाते हैं, वो यूज करते हैं कॉनकेव लेंसेज। ऑन द अदर हैंड जिनकी पास की नजर कमजोर होती है वो कौन से यूज करते हैं, दे यूज द कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंसेज को कन्वर्जिंग लेंसेज कहा जाता है, तभी आप देखेंगे जो रेज है वो एक पॉइंट पे जाके क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। सो दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, और इसको कहा जाता है द डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, जो रेज आ रही है वो हर डायरेक्शन में फैल रही है, सो दे आर नोन एज द डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है जी, सो अगर हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं तो जो आपकी इमेज फॉर्मेशन है कॉन्वेक्स की, इट विल बी रियल एंड इनवर्टेड, इट विल बी रियल एंड इनवर्टेड। ऑन द अदर हैंड अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखिए इसकी फॉर्मेशंस होती हैं, बहुत से रे डायग्राम्स बनाए जाते हैं, वो हम फर्दर क्लासेस में करेंगे, डोंट वरी। वो आपकी एक्सप्लेनेशन एक्चुअली में 10th क्लास में एग्जिस्ट करती है, राइट। सो वहां पर आप देखेंगे कि रियल एंड इनवर्टेड ही क्यों बनता है, ऐसे ही जो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट ही क्यों बनता है। अभी फॉर द टाइमिंग यू हैव टू रिमेंबर कि जो आपके कॉन्वेक्स लेंसेज हैं वो रियल एंड इनवर्टेड बनाते हैं, और जो कॉनकेव लेंसेज हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, सो यू कैन सी दिस इज अ कॉनकेव लेंस, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो यहां पर इमेज फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, दैट इज वर्चुअल, वर्चुअल ही ज्वाइन करवाते हैं हम इसको। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो आपको रियल देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो अगर वाइडर व्यू देखना है सो अगेन हम क्या यूज करते हैं, दे आर कॉनकेव लेंसेज। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है दैट इज हाउ डज अ रेनबो फॉर्म। देखिए रेनबो कब फॉर्म होती है, जब आप देखेंगे कि जैसे ही बारिश होती है और साथ में धूप निकली होती है तो आपको रेनबो फॉर्मेशन दिखती है। वो रेनबो फॉर्मेशन कैसे होती है, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एज अ प्रिज्म एक्ट करते हैं। प्रिज्म का मतलब क्या है, जो व्हाइट लाइट सनलाइट से आ रही होती है, जब वो इन रेन ड्रॉपलेट से पास करती है वो कर जाती है स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, तब आपको क्या देखने को मिलता है, दैट इज अ रेनबो। सो यू कैन सी दिस इज अ ग्लास प्रिज्म, तो जो जब भी बारिश होती है और उसके बाद आपको अगर धूप देखने को मिलती है तो वो जो रेन ड्रॉपलेट्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, एज अ प्रिज्म। और प्रिज्म में क्या होता है, जैसे ही व्हाइट लाइट एंटर करती है वो अपने आप स्प्लिट कर जाती है इंटू 7 कलर्स, जिनका नाम क्या है, विबग्योर। क्या कहलाते हैं, विबग्योर। सो वी स्टैंड्स फॉर वायलेट, आई स्टैंड्स फॉर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है जी, सो इनकी वेवलेंथ आपको याद रखनी है, जो वायलेट की वेवलेंथ है वो सबसे कम है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपको कौन सी देखने को मिलेंगी, दैट इज रेड कलर की। ठीक है जी, सो दिस इज नोन एज द विजिबल रेंज। विजिबल रेंज का मतलब क्या है, जहां पर आपको कलर्स देखने को मिलते हैं। आई होप आई एम क्लियर, सो दिस इज प्रिज्म। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बचा है आपका, उसके बाद मैग्नेट्स बचा है। ठीक है जी, सो यहां तक आपका जो फिजिक्स का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।